चल देखिए, एक हिंदू बहुल क्षेत्र है और ये राज्य को हम देवभूमि कहते हैं। ये देवों की भूमि है और यहाँ हिंदुओं की जो संख्या है वो 98 से 97% के आसपास है। वहीं पर विडंबना देखिए, एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि और कह सकते हैं कि एक विचार की सरकार जो अभी अभी हिमाचल में जीती है, उसका एक नेता आज ये कहता है कि उन्होंने 98% हिंदुओं को, हिंदुत्व को हरा कर आज सरकार में आए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदू हारे हैं तो जीता कौन है? वहीं पर हम ये सचेत करना चाहते हैं, हिंदू जागरण साफ शब्दों में कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी गई तो उसका उत्तर जवाब हम अपने शब्दों में देंगे। वहीं पर इस बयान का हम खंडन करते हैं। वहीं सुकंदर सुक्खू से ये चाहेंगे कि ये स्पष्ट करें कि अगर प्रदेश में हिंदू हारा है तो जीता कौन है।